दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप लोग से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं बता दूं कि अभी क्या है कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो दो तीन बच्चे भी हैं, तो थोड़ा बगल से थोड़ा नॉइस आएगा, तो वो चीज आप मैनेज कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए पहली बात बता देता हूँ। तो पहली बात गाइज ये होता है कि जैसे जब भी आप यूट्यूब पर काम करने आओ तो पूरा 100% आप यूट्यूब के भरोसे स्टेबल ना हो जाओ, ठीक है ना गाइज, कि आप पूरा काम धंधा छोड़ के यूट्यूब पे लग जाओ। और क्या होता है कि सारे बंदे क्या करते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं और पूरा फोकस यूट्यूब पर कर देते हैं और हर मिनट, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, दस मिनट पे वो अपना व्यूज चेक करते हैं कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वीडियो डालना है, दो दिन छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। प्लस अभी क्या है, मेरे चैनल पे ज्यादा व्यूज नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या है कि मेरा साइड से बिजनेस है, मेरे पापा शॉप चलाते हैं, मतलब मेरे छोटे वाला भाई भी शॉप चलाता है, तो मेरा साइड से बिजनेस चला हुआ है। मैं पूरी तरह से यूट्यूब पे स्टेबल नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पर काम करने बस इसलिए आया हूँ कि मेरा 3-4 साल से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मुझे भी यूट्यूब पर काम करना है, मुझे भी फेमस होना है। पैसे कमाने का मेरा कोई वो मेन मोटिव नहीं था, मेरे मन अंदर एक कीड़ा था कि मुझे भी यूट्यूब पर काम करना है। मैं बस अपनी मन की शांति के लिए मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर अगर कोई हुनर है, अगर आपके आप वो चीज दिखाना चाहते हो यूट्यूब पे, तो कभी भी आप यूट्यूब पे आओ। आप यूट्यूब पे इतना मत फोकस करो कि मुझे वायरल ही होना है, मुझे कैसे भी करके ग्रोथ करना है। आप पूरा 100% स्टेबल मत होना कभी भी यूट्यूब पे भरोसे, क्योंकि यूट्यूब में 10-5% लोग ऐसे होते हैं जो वायरल चले जाते हैं, 1-2 वीडियो उनकी वायरल हो जाती है, और किसी किसी को 400-500 वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर भी उनकी वीडियो नहीं चलती है। तो बस मेरा छोटा सा यही मतलब था कि आप कभी भी यूट्यूब पे आओ काम करने के लिए, तो आप पूरी तरह यूट्यूब पे 100% स्टेबल ना हो जाओ। आपका जो बगल का जो काम धंधा रहता है, आप उस चीज पे भी फोकस करो। अगर आपके पास महीने दो महीने का आप, अगर आपके पास समय है तो आप उस 1-2 महीने तक काम कर सकते हो, लेकिन आप पूरा काम धंधा छोड़ के यूट्यूब पे मत लग जाना कभी भी। तो बस आपको यही चीज बतानी थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।